भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। कादिया द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति एवं प्रस्थान। सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, भगवान जी के चरण पर हाथ से चरण की ठोकरों से कादिया नाक के फन छिन्न विच्छिन्न हो गए, चोर चोर हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नागपत्नियों ने इस प्रकार से स्तुति की, तब भगवान जी ने दया करके इसको छोड़ दिया, वह उतर गए। अब धीरे धीरे भगवान ने इसकी ओर देखा तो धीरे धीरे नाग की इंद्रियों में, प्राणों में चेतना आने लगी, सुधि आने लगी, चेतना हुई। अब इसको श्वास आने लगा। यद्यपि श्वास आता था कठिनता से, परंतु श्वास आरंभ हो गया। अब कुछ बोलने की शक्ति आई तो बड़ी दीनता के साथ कृतांजलि हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर से इस प्रकार बोले। कालियानाग ने हाथ जोड़कर बड़े दैन्य भाव से बड़े दीन स्वर में कहा, भगवान हम तो जन्म से ही दुष्ट हैं। एक में तो दुष्टता है, पीछे से किसी बुरी संगत में आ जाती है, वह आगंतक दोष होता है। इसने कहा, महाराज हम में तो जन्म से दुष्टता है। तमोगुणी स्वभाव बदला लेना सांप का स्वभाव होता है। बदला लेने के प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर बनी हुई है। मुझ में साधना है नहीं और आपकी कृपा का अनुभव हमने किया नहीं। दो प्रकार से स्वभाव बदलता है, नहीं तो बदलना बड़ा कठिन है। एक तो तीव्र विपरीत साधना से, जिस प्रकार का स्वभाव है उसके विपरीत अभ्यास करें तीव्रतर, तो धीरे धीरे नवीन अभ्यास उसका स्वभाव बन जाएगा। दूसरे, भगवत कृपा से, भगवान जी की कृपा से सब कुछ हो सकता है। नाग ने कहा कि भगवान हमने साधना तो की नहीं और आपकी कृपा का आश्रय लिया नहीं, इसलिए हम जैसे जीवों के लिए स्वभाव का बदलना कठिन है। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, स्वभावे की स्वभाव का त्याग बड़ा कठिन है। और इसी कारण से लोकानाम यद सदग्रह, बुरे बुरे कामों में जो आदमी फंस जाता है, दुराग्रह में उसका कारण है उसका बुरा स्वभाव। स्वभाव बदलने की चेष्टा होती नहीं और स्वभाव के अनुसार उसके द्वारा क्रिया होती है, जिससे बुरा बुरा काम, बुरा बुरा आग्रह उसके जीवन में आ जाता है और पतन हो जाता है। हे विश्व विधाता, ये सब भी आपके गुण हैं। भगवान तमोगुण कहाँ से आया? ये स्वभाव वीर्य बल ओज योनि चित्त आकृति, इसका जो गुणों के रज से निर्माण किया गया है, इसके विधाता तो आप ही हैं भगवान। ये किसने किया? हम सर्प क्या आपकी दृष्टि से बाहर हैं? हम सांप भी आपके ही संसार में हैं। हम लोगों के भी विधानकर्ता निर्माणकर्ता आप ही हैं। हम तो जन्म से पैदा ही हुए हैं क्रोधी। जब बच्चे थे तभी हुंकार मारते थे हम। तो महाराज, हम दुस्त्यज माया का त्याग कैसे करें? मायापति के शरण हो तब त्याग हो, और शरण हम हुए नहीं। आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत के स्वामी हैं, इस माया के भी कारण आप ही हैं भगवान। अब हम क्या करें? वह यह सर्वोत्तम चीज है, बुद्धिमानी की बात है। यहां सर्प ने बड़ी बुद्धिमानी की, भगवान पर छोड़ दिया अपने आप को। यह भगवान से मांगना जो है ना, बुद्धिमानी नहीं है। जो भगवान जिसे मांगना है ना, बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हम मांगेंगे क्या? हम जहां तक की कल्पना नहीं कर सकते, वैसी चीज देने की उनके मन में आती है, वहां तक हमारी बुद्धि जाती ही नहीं। हम मांगेंगे क्या भगवान से? जो मांगता है वह ठगाता है। प्रेमी जन तो मांगते नहीं, पर ये बुद्धिमान लोग भी नहीं मांगते। प्रेमी जन को तो चाह ही नहीं, वह देते ही रहते हैं, पर ये बुद्धिमान लोग भी मांगते नहीं। भगवान जी के संपर्क
से सर्प में इतनी बुद्धि आ गई, अब बुद्धि के साथ साथ विश्वास आ गया। हम लोग जो भगवान की बात करते हैं बहुत बार कि भगवान जो करता है सो ठीक करता है, ये केवल झूठ बोलते हैं। भगवान के मंगल में विधान पर विश्वास हो तो प्रत्येक प्रतिकूलता में प्रसन्नता होनी चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। परंतु हम तो जरा सी प्रतिकूलता हो नहीं हुई तो उबल पड़ते हैं भगवान जी पर ही। असंतुष्ट तो होते ही हैं, दुखी तो होते ही हैं, पर भगवान को भी भला बुरा कह सकते हैं। बड़ा विश्वास जागृत होता है कहीं पर हमारे अंदर, तो हम भगवान जी की शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं पर उनकी बुद्धि पर तो विश्वास करते ही नहीं, और सौहार्द का विश्वास तो है ही नहीं। हम कहते हैं कि महाराज हमारा ये काम सफल कर दो। देखो हम आपकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम आपका पाद पूजन करते हैं, हमारा ये काम सफल कर दो। यदि भगवान कहीं पूछ ले कि हम अपनी मर्जी से कर दे सफल, तो बोले ना ना महाराज, आप कर सकते हैं आप कर दीजिए, हम भक्त हैं आपके, आप हमारे काम कर दीजिए, पर करिए वही जो हमें बतावें, जो हम बतावें वही कीजिए, योजना हमारी और पूर्ति करने का काम आपका। नौकरी देते हैं हम आपको, अरे हम आपकी भक्ति करते हैं ना, तब बदले में हमारा काम जो हम बतावें वे कर दिया कीजिए, और आप करने में समर्थ हैं, जल्दी कर सकते हैं, शक्तिमान हैं, बोले तो हम पर छोड़ दो, तो बोले आप कहीं उल्टा कर दो। कुछ समय पहले की बात है, कोई सरकारी अधिकारी रहे, वह हमारे पास आए, बड़े अच्छे सज्जन थे, बड़े सीधे सरल स्वभाव के रहे, उनसे बहुत बातें हुई। मैंने ऐसे ही कह दिया कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए, तो बड़ी सरलता से बोले भगवान पर छोड़ दें तो कहीं अपने मन की कर दे तो, और हमारा वह काम उल्टा हो जाए। हम जो चाहते हैं वे ना करें, फिर हमारा तो बिगड़ गया सारा काम। तो मतलब कहने का क्या है, भगवान की बुद्धि पर और भगवान जी के हमारा सौहार्द पर विश्वास नहीं। कहीं कहीं पर शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, सो भी यहां करते हैं, जब हमारी शक्ति काम नहीं करती और सस्ते में काम होना हो कि 500 रुपये लगा करके अनुष्ठान कर दो और 5 लाख रुपया आ जाए, तब कौन सा महंगा पड़ा, सस्ते ही तो पड़ा। वकील को देंगे 500 रुपये और 500 रुपये में मुकदमा जीत जाए तो बड़ा अच्छा है, हर्ज क्या है। तो यहां शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं पर भगवान पर निर्भर हो जाएं, भगवान जी के मंगल विधान पर अपने को छोड़ दें, ऐसे विश्वासी बहुत कम होते हैं। अब कारियानाग के मन में बड़ा विश्वास पैदा हो गया। कारियानाग ने कहा, भगवान अब हम लोगों के लिए तो आप अपनी इच्छा से जो आप ठीक समझे करें, अनुग्रहम व निग्रहम, आपका अनुग्रह भी अनुग्रह है और आपका निग्रह भी अनुग्रह है, आप जो करेंगे सो ठीक करेंगे भगवान। उसने तो कुछ नहीं मांगा। नाग पत्नी ने कह दिया कि महाराज आप हमारे पति के प्राण दे दीजिए, हमको सेवा बताइए कि जिससे हमारा भय से छुटकारा हो जाए। नाग ने ये नहीं कहा, नाग ने कहा भगवान आप सर्वज्ञ हैं, हमारा भला किस में है ये आप जानते हैं, और आप जगत के ईश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दो बातें हैं, एक तो जो जानता हो कि किस बात में किसका भला है, और एक जो कर सकता हो जो जगदीश्वर हो।
भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा, आप सर्वज्ञ भी हैं और आप जगदीश्वर भी हैं। हम आपको कहें कि आप हमारा यूं कर दें तो हमने आपको सर्वज्ञ नहीं माना। किसी बात में हमारा भला है और क्या करना चाहिए ये जानने वाले तो आप हैं। जिनकी बुद्धि काम अविभूत होती है, काम क्रोध लोभ से जिनकी बुद्धि ढकी होती है, वे अपना भला आप नहीं जान सकता। बहुत बार आदमी भले के नाम पर अपना बुरा कर बैठता है और कहता है कि हमने भला किया। मनुष्य का अभिमान, मनुष्य की मूर्खता, मनुष्य का काम, मनुष्य का क्रोध लोभ मोह, ये उसकी बुद्धि को विकृत कर देते हैं। उस समय वह अपनी भलाई मान करके बुराई कर बैठता है। कोई बोले कि ये काम तो हम अपने भले के लिए कर रहे थे और तुमने रोक क्यों दिया। कोई माँ अगर बच्चे को रोक दे आग में हाथ डालने से तो वह अभोद बच्चा रोएगा और बोलेगा कि देखो माँ ने हमें खेलने नहीं दिया, यदि खेलता वह उसमें जल जाता। माँ ने अच्छा किया पर अभोद है ना, अतः मंगल किस बात में है इसको वह जानता है जो सर्वज्ञ है। हम नहीं जान सकते, हम तो बहुत बार संहार को खेल मान लेते हैं। भगवान खेल तो ठीक जानते ही हैं, बस भगवान पर विश्वास हो जाए। और ये तब होता है जब हम भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं और जगदीश्वर मानते हैं। शांति कैसे मिले, भगवान ने उपाय बताया, सीधा उपाय बता दिया शांति मिलने का। लंबी चौड़ी बात नहीं पर बड़ी लंबी चौड़ी बात भगवान ने कही। बोले शांति तुमको आवश्यक है तो सारी कामनाओं का परित्याग करो। सर्वान कामाय विहाय और सारी सप्रीहा प्रतिज्ञा का परित्याग करो। ममता छोड़ो, अहंता छोड़ो, तब शांति मिलेगी। ये तो बड़ा कठिन उपाय बता दिया, कहाँ करें कैसे करें, कर ही नहीं सकते। बोले दूसरा बड़ा सीधा उपाय है, इससे तत्काल शांति मिल जाएगी। क्या करना है, करना कुछ नहीं है, केवल जान लेना और मान लेना है। कुछ मत करो, केवल इस बात को जान लो। क्या जान ले, कि जो सारे यज्ञ तपो के भोक्ता हैं और जो समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं, सब के शासक हैं ना, तो सर्वज्ञ हो ही गए। जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वलोक महेश्वर है, सब यज्ञ तपो के भोक्ता हैं, वे भगवान। या भगवान ने इस बात को खोल दिया कि कहीं निर्गुण निराकार की बात ना सोच ले आदमी। वह किसका क्या भला करेगा जो किसी की सत्ता ही नहीं मानता, वह भला क्या करेगा। वे ही नहीं, हुआ ही नहीं तो बस ठीक हुआ ही नहीं। लेकिन यहां भगवान ने अपने आप को कहा भोक्तारम, हम तो खाने वाले हैं, सारे यज्ञ तपों के भोक्ता हम हैं, कहीं भी डालो पहुंचता हमारे पास है। अरे सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों के हम महान ईश्वर हैं, ऐसे हम सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के मित्र हैं, सुहृद हैं, ये नहीं कहा वहां पर कि हम भक्तों के मित्र हैं, ये नहीं कहा कि उपासकों के मित्र हैं, ये नहीं कहा कि साधकों के मित्र हैं, सर्वभूतानाम कहा। बोले तुम प्राणी हो ना,
बोला, हाँ प्राणी हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम प्राणी और हम सुहद हैं, ऐसा मान लो बस। तो दयालु दीन हो, तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंजहारी। हम दीन हैं और आप तीन बंधु हैं, हम एक प्राणी हैं और आप प्राणी सुहद हैं, बस भगवान ने कहा। इस प्रकार ये नहीं जानने वही शांति हो जाएगी। भगवान जी के सौहार्द में जहां विश्वास हो गया वही शांति मिल गई। ये बड़ा आश्वासन है। भला ये नाग के अंतिम शब्दों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान जी के सौहार्द पर, उनकी सर्वज्ञता पर, उनके सर्वशक्तिमत्ता पर, उनके सर्वलोक महेश्वर तत्व पर हम विश्वास करके अपने आप को उन पर छोड़ दें बिना किसी शर्त के। तुम जो करो, जैसे करो, जब करो, बस वही करो। हम जो कुछ सोचेंगे वह भूल सोचेंगे और तुम जो सोचोगे वह ठीक सोचोगे। हम किसी अच्छी बात को सोचकर भी कर नहीं सकते और तुम सर्वसमर्थ हो। हमारा प्यार बहुत बार भ्रांत होकर के हमारा अहित कर बैठता है। हमारा ही क्या, मनुष्य भ्रांत होकर ही आत्महत्या करता है और समझता है कि हम अपने आप को भला कर रहे हैं। करता है ना आदमी, क्या उस समय ये सोचता है कि हम अपना अनिष्ट कर रहे हैं, भला सोचता है? वे भ्रांत है। हम बहुत बार भ्रांत हो जाते हैं। आप निभ्रांत हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और आप हमारे परम सुहृद हैं भगवान। हम आप पर अपने को छोड़ देते हैं। जो आप ठीक समझो वह करो, जब ठीक समझो करो और जैसे ठीक समझो वैसे करो। इस प्रकार अपने आप को बिना किसी शर्त के भगवान जी के चरणों पर छोड़ दें। भगवान कहते हैं कि तत्काल शांति मिल जाएगी उसको, उसके लिए फिर कोई भय नहीं रहेगा। यहाँ पर नाग ने बड़ी सुंदर बात कही। नाग बोले, भगवान से कि महाराज, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के आप अधीश्वर हैं, स्वामी हैं, हमारे स्वभाव और माया के कारण भी आप ही। आप अपनी इच्छा से, अपने मन से हमारे लिए जो ठीक समझे, निग्रह अनुग्रह जो ठीक समझे, बस उसी का विधान कीजिए। चाहे दंड दीजिए, चाहे कृपा कीजिए। आपका दंड भी कृपा है और कृपा तो कृपा है ही। हम तो केवल आपके मन पर अपने आप को छोड़ देते हैं। इस प्रकार जब भगवान से कहा तो भगवान शरणागत वत्सल हैं ही। भगवान को तो इस कालीय हरद को भी पवित्र करना है और इस कालिया को भी पवित्र करना है और तमाम लोगों को निर्भय करना है। भगवान की एक क्रिया में ना जाने कितने कार्य एक साथ संपन्न हो जाते हैं। जरा सा एक चक्र हिलाया तो लाखों लाखों के भाग्यों का उचित परिवर्तन एक साथ हो गया। सुखदेव जी बोले, भगवान जी ने जब ये बात सुनी तो कृपा जाग गई भगवान की। भगवान यहाँ पर अपनी महिमा की असली बात कह बैठे। उनकी महिमा का क्या कहना है। ये लीला के लिए मनुष्य सा आचरण करने वाले भगवान बोले कि नागराज, अब तुम यहाँ मत रहो। ये तो भय से आया था ना। शोभरी ऋषि का शाप था गरुड़ को कि वे यहाँ नहीं आ सकते, तो गरुड़ का यहाँ भय नहीं और वहाँ रहते तो भय था। तो भगवान ने कहा, तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब बहुत से नाग वहाँ पर आ आ करके बस गए थे। तुम अपनी जाति भाइयों को, पुत्रों को, स्त्रियों को लेकर के समुद्र में चले जाओ। ये जल निर्विष हो जाएगा, अमृतवत हो जाएगा। फिर गाय और मनुष्य यहाँ के कालंदी का जल अब पिएंगे।
अब नाग पत्नियों की और भगवान जी को जरा श्री मुख किया, दृष्टि फेरी और नाग से कहा कि तुम ये संदेह मत करना कि तुम्हारे अंदर कोई पाप कलुष रह गया है। तुम तो परम पवित्र होगे, तुम्हारी इस गाथा को जो गाएंगे वह पवित्र हो जाएंगे। नागराज, मैंने जो तुमको आज्ञा दी है, इस आज्ञा का जो सुबह शाम दोनों समय स्मरण कर लेगा और कीर्तन करेगा, उसको सांपों का भय तो रहेगा ही नहीं, जगत का भय भी नहीं रहेगा। सारा जगत सर्पी है, विष के समान काटता है। कहते हैं कि उसको सांपों से कभी भय नहीं होगा, और केवल वही नहीं, वह मनुष्य ही नहीं, सभी भय मुक्त हो जाएंगे। मैंने जो ये कालिया हरद में खेल किया है, नाच किया है, जो लीला की है, क्रीडा की है, भगवान जी ने कहा मैंने क्रीडा की है, दंड नहीं दिया है। इस कालिया दै में जो मैंने क्रीडा की है, इसमें जो पुरुष स्नान कर लेगा और इसके जल से जो देवताओं का पितरों का तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मरण करते हुए यदि पूजन करेगा तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, पितर भी मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान जी ने कहा मैं जानता है कि तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप को छोड़ करके यहां बसे थे, जिस भूमि पर भगवान जी के चरण चिन्ह अंकित हो जाएं, वहां से सारा भय चला जाता है। भगवान ने कहा नागराज, तेरे शीर पर तुम मेरे चरणों के चिन्ह उभर आए हैं, मेरे चरण चिन्हों से तुम्हारा शीर अंकित हो गया है, अब क्या गरुड़ आवेगा वहां तुमको खाने के लिए, निर्भय हो गया तुम। अब ये कितनी बड़ी सुंदर चीज है, ये भगवान जी के चरण उसके शीर पर अंकित होगे, ना मालूम कहीं कहीं टिके, किस किस फन पर टिके, एक दो बार नहीं कितनी बार टिके। भगवान के इस आज्ञा को सुन करके नागराज कृतार्थ हो गया, उसका तमाम विष निकल गया स्थूल शरीर से और मन का विष निकल गया। यह भोगवांछा भोग स्प्रीहा, यह मन का विष है, यह विष निकल गया, वह निर्विष हो गया, अमृतोत्तम हो गया, असली अमृत उसे प्राप्त हो गया। असली अमृत है भगवान जी का प्रेम अमृत, भगवान की प्रीति उसे प्राप्त हो गई। सुखदेव जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है, बच्चों ने तो देखा कि सांप लपेट लिया श्री कृष्ण को, तो ये न मालूम क्या होगा, सांप ने काट लिया। नंद बाबा यशोदा मैया सब दुखी हो गए, दौड़े आए और कूदने को तैयार हो गए, उधर उनको ये लीला दिखाई, इधर नाग पत्नियों की इच्छा पूर्ण की, नाग को निर्विष किया, अमृत में बना दिया और यहाँ के जल को हद को परम पावन बना दिया भगवान ने। अद्भुत कर्मना, भगवान अद्भुत कर्मी हैं, उनकी लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान से जाने की आज्ञा पा करके अब कारिया नाग ने और उसकी पत्नियों ने आनंद में भर करके बड़े आदर से भगवान जी की पूजा की। तम पूज्य मास मुदा नाग पत्तन्यश्च साद्रम, दिव्य वस्तुएं उनके पास थी, भगवान जी के समीप आई हुई वस्तुएं दिव्य हो जाती हैं अगर भगवत भाव रहता है। पत्थर को पूजने वाले की दिव्य नहीं रहती, किसी मूर्ति को पत्थर माने और भावना को भूखा माने तो उसका भगवान भोग ही स्वीकार नहीं करते, थाली में धरा रह जाता है। जो भगवान खाने वाले हैं उनके भोग को भगवान खाते हैं, जो भगवान बोलने वाले हैं उससे भगवान बोलते हैं,
जो भगवान चेतन हैं वे भगवान चेतन हैं। एक भक्त रहे, वह किसी कामना से पूजा करते थे गोपाल जी महाराज की और गोपाल जी को मानते थे पत्थर की मूर्ति। पूजा करते थे, कुछ हुआ नहीं तो किसी ने पूछा कि किसने बताया है, गोपाल जी क्या करेंगे, देवी जी की पूजा करो तो काम बनेगा। अब वहां तो काम बनने से मतलब है देवी जी हो चाहे गोपाल जी हो, चाहे ये दोनों ना हो और चोरी करनी पड़े, अपने को तो काम करना है ना, चोरी क्यों करता है आदमी, सकामी हो करके करता है। उपासना से नहीं हुआ तो खुशामद से करो, उससे नहीं हुआ तो व्यापार से करो, उससे नहीं हुआ तो नौकरी से करो, उससे भी नहीं हुआ तो चोरी ही करो, काम करना है अपने को। उन्होंने गोपाल जी महाराज जी को उठा करके ऊपर रख दिया और देवी जी की पूजा करने लगे। पूजा में सब किया, तब जब धूप रखने लगे तो धूप का धुआं ऊपर गया, तब उनके मन में आया कि ये तो सूंघ लेगा, गोपाल बैठा है ऊपर तो ये सुगंध देवी जी को आएगी नहीं, वह हिस्सा बटा लेगा। तब रुई लेकर के गोपाल जी के नाकों में ठूस दी, रुई ठूसी तो गोपाल जी बोले अच्छा भैया वरदान मांगो, हम प्रसन्न होंगे। वह बोला महाराज ये आपने पूजा की बड़ी नई पद्धति बताई, अरे पूजा की उपहार दिया, नैवेद्य लगाया, फेरी वेरी दी, हाथ जोड़े स्तुति की, तब तो बोले ही नहीं और नाक में रुई ठूसने से बोल उठे, बोले तब तुम पत्थर मानते थे, सुगंध आएगी चेतन की, पत्थर को तो आवेगी नहीं, आज तुमने गोपाल जी को चेतन माना, गोपाल जी कहीं सूंघ ना ले धूप की गंध, जब गोपाल जी चेतन हो गए तो चेतन बोलता है, बोलने वाला भगवान हो तो बोलेगा, खाने वाला खाएगा। बोले ये तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं तो तुम भी भाव ही खाया करो, तुमको बदले में खाने को नहीं मिलेगा, भाव खाया करो। इस तरह से ये क्रियाविधि है, जो भगवान जी की पूजा करना चाहे वे भगवान को पत्थर कागज नहीं माने, मूर्ति को मूर्ति नहीं माने, किसी मनुष्य में भाव करे तो मनुष्य को मनुष्य ना माने, दीवाल में करे तो दीवाल को दीवाल नहीं माने, जल में करे तो जल को जल नहीं माने, वृक्ष में करे तो वृक्ष को वृक्ष नहीं माने, उसमें भगवत बुद्धि हो। जब भगवान की इन्होंने बड़े आदर से पूजा की और जहां वह भगवान के पूजा की सामग्री आई कि सब दिव्य बन गया। दिव्य के लिए जो आयोजन होता है वह दिव्य होता है। पहले पहल दिव्य शब्द का उच्चारण किया, दिव्य वस्त्रों से, दिव्य पुष्पमाला से, दिव्य मणियों से, दिव्य बहुमूल्य आभूषणों से, दिव्य गंध से, दिव्य चंदन से और दिव्य उत्तम कमलों की माला से वे जगन्नाथ गरुड़ ध्वज भगवान जी का पूजन करके वही प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान पूजा से प्रसन्न होते हैं। लोग कहा करते हैं कि भगवान पूजा से प्रसन्न हो तो फिर पूजा के भूखे हो गए, अरे भगवान हमारे अनुरूप होकर के करते हैं, कोई हमारी पूजा करता है तो हम प्रसन्न होते कि नहीं। असल में क्या होता है कि पूजा ग्रहण करके भगवान स्वीकार इसलिए करते हैं कि उनको हमें बदले में कुछ देना है। दर्पण में मुंह देखने वाले को अपना मुंह दिखता है, अपनी शोभा अपने को दिखती है, इसी प्रकार पूजा करके पुजारी ही उसका फल पाता है। भगवान तो कहते हैं हमने स्वीकार कर ली और कहते ही नहीं हैं, जहाँ पूजा होती है वहाँ स्वीकार करते हैं, दिया हुआ खाते हैं, सुनाया हुआ सुनते हैं, उड़ाया हुआ ओढ़ते हैं और कह भी देते हैं कि ये सब हमारे ओढ़ने की चीज़ नहीं है।
हरि राय जी महाराज की बात याद आती है कि वे भगवान की पूजा करते थे तो दो रजाई ओढ़ा देते। एक ओढ़ाई उनको तो लगा कि भगवान जी को जाड़ा लग रहा है। रात को भगवान ने कहा कि हम जाड़े से मर रहे हैं। अब वहां कोई ज्यादा बुद्धिमान होता तो कह देता कि जितना ओढ़ाया ओढ़ते हैं, भगवान जी को थोड़े शीत लगता है, हम तो ओढ़ा देते हैं क्योंकि ये पूजा की विधि है, उनको शीत थोड़े लगता है। ऐसे तो भगवान को शीत नहीं लगता तो रजाई नहीं ओढ़ते। रजाई ओढ़ने वाले भगवान जी का शीत लगता है, भूखे भगवान को भूख भी लगती है। भगवान की पूजा की विधि में ये विशेष बात है, भगवान प्रसन्न हो गए पूजा स्वीकार करके। इसके बाद उन लोगों ने बड़े सुंदर भाव से भगवान जी की बड़े प्रेम और आनंद से परिक्रमा की, फेरी दी भगवान की, वंदना की और फिर भगवान के हाथ जोड़े। ये भगवान ने कहा बस तुम जाओ भगवान की आज्ञा। अब वह भगवान की आज्ञा मानते हैं, भला उल्टा काम नहीं करते, बस भगवान की अनुमति प्राप्त की। फिर सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार से भगवान की अनुमति जब प्राप्त हो गई तो वह अपनी पत्नियों को, पुत्रों को और बंधु बांधवों को लेकर के जो समुद्र में रमणीक द्वीप नाम का सर्पों का के रहने का स्थान है वहां के लिए इसने यात्रा की। ये लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से जमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं हो गया, भगवान जी ने नृत्य किया तो इसी समय ये भगवान के अनुग्रह से सामृत जला हो गया, ये निर्विष ही नहीं हो गया अमृत के समान मधुर हो गया, अमृत हो गया। इसमें स्नान करने वाले अमर हो जावे, कभी नहीं मरे, ऐसा जल हो गया और बड़ा सुंदर जल हो गया। भगवान की ये लीला पूर्ण हुई। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।